नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कुणाल मलिक आपका केजीएस के पॉडकास्ट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई करके एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो लाखों में एक होनहार स्टूडेंट ही कर पाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऐसे छात्र की जो अपने एनडीए के चौथे प्रयास में फाइनल सिलेक्शन पाते हुए इंडियन नेवी में बतौर पायलट नियुक्त हुए हैं। सो लेट्स वेलकम अंशु गहलावत। थैंक यू सर। सो अंशु, कैसा लग रहा है फाइनल मेरिट में आने के बाद? सो द फीलिंग आई फील इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। आई एम वेरी हैप्पी एंड माय फैमिली एज वेल एज माय टीचर्स एंड ऑल माय एसेसेस दैट वर द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी एंड आई फील इट्स अ वेरी नाइस मोमेंट फॉर मी। ओके, तो अभी मुझे आप अपनी कुछ स्कूलिंग के बारे में बताओ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे आपको पता चला कि एनडीए एग्जाम होता है, कैसे उसमें हम प्रयास करके ऑफिसर बन सकते हैं, क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा था जो फौज में रहा हो जिसने आपको प्रेरित किया हो? सो मैंने अपनी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से ही की है। आफ्टर 8th क्लास आई वाज इन आरईटी स्कूल चरखीदादरी, तो मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ से ही की है। टिल 12th आई वाज देयर। और जो मोटिवेशन है टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, इट केम फ्रॉम माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर। मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली ही ऑलमोस्ट डिफेंस में रही है, सो आई हैव सीन द वे दे लिव देयर लाइफ, द डिसिप्लिन दे वे दे लीड एंड द एडवेंचर्स दैट दे हैव इन देयर लाइफ। तो उनके किस्से सुनती थी पापा और दादा से, और वहीं से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनने लग गया था फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। फिर भी हमें बचपन में कई बार नहीं पता होता कि एनडीए एग्जाम कैसे है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जैक्टली आपको कब पता चला कि इस एग्जाम की हम इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, वो इफ़ आई टेल फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो क्लास 11th में जाके मेरे को एक बार पता चला कि देयर इज दिस एग्जामिनेशन एनडीए जिसके थ्रू 12th बेसिस पे एंट्री मिलती है, ऑफिसर एंट्री मिलती है। सो एट दैट टाइम मेरे को पता चला कि ये गर्ल्स के लिए नहीं है, सो मुझे बहुत दुख हुआ था। बट व्हेन आई वाज इन क्लास ट्वेल्थ के एंडिंग फेज में ही एनडीए ओपन हो गया था लड़कियों के लिए। सो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं दे पाई थी, आई वॉज नॉट एलिजिबल। मैंने जो सेकेंड अटैम्प्ट था लड़कियों के लिए, दैट इज अप्रैल वाला अटैम्प्ट 2022 का, मैंने वो दिया था। सो इसके बारे में नॉलेज खुद से ही गेन की थी सर। कहीं मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कुछ उनसे गाइडेंस ली, कुछ सीनियर से, और बाकी यूट्यूब वगैरह से सर्च किया था। अच्छा, तो 11th 12th में आपको पता चला कि एनडीए एग्ज़ाम का किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बट उस एज में इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, कई बार हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है तैयारी करने के लिए। तो आपने मुझे ये भी बताया था कि इस अटेम्प्ट को, एनडीए की तैयारी को करते हुए आप दो बार फेल भी हुए हैं। यस सर। तो आप बताइए आपने ऐसी क्या गलती करी जिस गलती को करके आप बार बार फेल हुए, और उसके बाद दो अटेम्प्ट और दिए जिनमें लगातार आपने सफलता हासिल करी, तो उन दो अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया जिससे वो बार बार एग्जाम क्वालिफाई हुआ? सर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे थे, और उस टाइम पे मेरा ज़्यादा फोकस मेरे पीसीएम सब्जेक्ट्स पे ही था। मुझे जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब पे मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, एंड 10th के बाद बिल्कुल ही पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो आई वॉज गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पर इन तीनों सब्जेक्ट से क्लियर नहीं होता। एनडीए क्लियर करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होती है, तो मैं वो नहीं कर पाई थी, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रह गई थी और नहीं हो पाया था। और जब सेकेंड अटेम्प्ट की बारी आई तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे सर मैथमेटिक्स के, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैथ्स में अच्छा स्कोर आएगा। सो रिविज़न की कमी रही और मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट की कमी रही आई से, उसकी वजह से सेकेंड नहीं हो पाया था। अपने थर्ड अटेम्प्ट में मैंने यही सब मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया था कि मैंने पहले तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया, और कमिंग ऑन टू द मैथमेटिक्स पार्ट, दो मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, मैंने जितने पॉसिबल मॉक टेस्ट थे इन द लास्ट मंथ वो सब लगाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू क्लियर माई थर्ड अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट भी इजीली हो गया था। फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट मिला कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से किया हुआ था, ऑल द सब्जेक्ट्स आई हैव डन। सो फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे पास 24 ही दिन थे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सो ये सब जो मैंने पहले कवर किया हुआ था, दिस हेल्प इन माई लास्ट अटेम्प्ट एज वेल। इस फेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप कुछ ऐसी एडवाइस उन स्टूडेंट्स को देना चाहो जो अभी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस बार पेपर देखा था, मैथमेटिक्स का पेपर पिछले 2-3 साल के ट्रेंड के हिसाब से काफी डिफिकल्ट था, तो कुछ ऐसी एडवाइस जो अपकमिंग सितंबर एग्जाम में आप कैंडिडेट्स को दे सको।
सर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मैं ये बोलूँगी, बच्चे एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट का टैग दे रहे हैं. सो आई विल से कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है विद टाइम एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ता ही जाएगा, वो कम तो नहीं होगा कभी भी. सो रादर देन ब्लेमिंग द एग्ज़ामिनेशन एंड द चेंजिंग पैटर्न ऑफ UPSC, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए. सो मैथ्स को अगर मैं पहले कवर करूं, क्योंकि मैथ्स ही कट ऑफ नहीं क्लियर होगी तो फिर गेट एग्ज़ाम चेक ही नहीं होगा. सो मैथ्स में स्टार्ट फ्रॉम NCERT से, NCERTs उठाओ. इफ़ यू आर इन 11th एंड 12th तो गोल्डन अटेम्प्ट है, अपनी NCERTs को एज मच एज पॉसिबल रिवाइज करो. डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज देयर इन NCERT, एंड व्हेन यू आर डन विद NCERT तो NCERT एग्जाम लिस्ट ले लो. आई फील मैथ्स इतना टफ नहीं है इंडिया का. द क्वेश्चन सर कि टाइम ज़्यादा लग रहा है उनको सॉल्व करने में, इफ़ वी प्रैक्टिस इनफ तो वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे और स्कोर भी अच्छा आ जाएगा. वॉट आई एल एडवाइस इज कि मैथ्स का ट्राई टू कवर योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल. इफ़ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स देन इट्स एन एज फॉर यू, एंड इफ़ यू फील कि कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सो आई विल सजेस्ट देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड देर आर मेनी पेड प्लेटफॉर्म्स एज वेल. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर एनी कॉन्सेप्ट तो वहीं जाओ और हर चीज़ को क्लियर करो. डोंट लीव एनी टॉपिक डाउटफुल. एग्जाम से पहले 1 month तक यू शुड क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड रिवाइज एवरीथिंग थोरोली. कमिंग ऑन टू द गेट पार्ट्स, इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत आसान है इम्प्रूव करना. फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी वोकैबुलरी के लिए क्या था, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी मैं. दो थर्ड अटेम्प्ट में तो मैंने नहीं पढ़ा था, बट ड्यूरिंग 4th एज वेल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर SSB एज वेल, तो मैं न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू कर रही थी तो वोकैबुलरी वहाँ से इम्प्रूव हो गई थी. बिफोर माई रिटन मैंने 600 के आसपास कुछ वर्ड्स कर लिए थे. कमिंग ऑन टू अदर थिंग्स जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला, वो पोर्शन ईजी है बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे वो स्कोरिंग पोर्शन है. और एरर स्पोर्टिंग का जितनी ग्रामर अच्छी होगी, जितने रूल्स क्लियर होंगे, देर आर फिक्स रूल्स, वही 60-70 रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं. तो जितना उन क्वेश्चंस रूल्स को अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सो उतने अच्छे स्कोर आएगा सर. एंड अदर देन दैट सर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पार्ट बताऊँ. यूजुअली ज्योग्राफी हिस्ट्री पोर्शन ज़्यादा आता है कंपेयर टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. तो ज्योग्राफी की वही स्टेटिक बुक्स हैं. आई वॉन्ट से कि 11th और 12th की बुक्स पढ़ू, 9th और 10th की बुक्स आर मोर देन सफिशियंट सर, उससे हो जाएगा ज्योग्राफी. एंड कमिंग ऑन टू द हिस्ट्री पार्ट, मैंने एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया था एंड दैट आई हैड डन फ्रॉम यूट्यूब ओनली सर. तो मैं यूट्यूब से वीडियो देखती थी एक एक चैप्टर की एंड देन आई यूज टू मेक नोट्स और उससे मैं रिवाइज कर लेती थी सर. सिलेबस तो वैसे हर कोई कवर कर ही लेता है, और सिलेबस खत्म होने के बाद लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन का टाइम आता है तो उस टाइम के लिए आप कुछ स्टूडेंट्स को टिप्स दे सको, क्योंकि लास्ट के कुछ वीक्स में प्रेशर भी बहुत रहता है स्टूडेंट के ऊपर, तो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर रहे थे? उस दौरान आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसको आप कैसे प्रयास किया करते थे, कैसे उसमें आप अपना स्कोर इम्प्रूव किया करते थे, उसके बारे में कुछ टिप्स अगर आप दे सको. सो मैं सितंबर वाले एग्जाम से बताती हूँ सर कि सितंबर में अब एग्जाम है. सो आई विल सजेस्ट कि अगस्त जैसे ही स्टार्ट हो तो न्यू टॉपिक्स उठाना बंद कर देना चाहिए. उस टाइम पे 10 days वी शुड गिव टू प्रॉपर रिवीजन, कि हाँ हम प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं हर सब्जेक्ट का. मैथ्स को 15 दिन दो, हर चैप्टर को एक बार हाथ से निकाल लो कि हाँ मैंने इसकी फॉर्मूले रिवाइज कर लिए एंड आई हैव डन ऑल द PYQs ऑफ दिस चैप्टर. सो मैथ्स का वहाँ से बिल्ड हो जाएगा. एंड गैट पोर्शन के लिए एक सब्जेक्ट को 2 या 3 दिन दो, जिससे उसके जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं हमने वो रिवाइज हो जाए, बिकॉज गैट इज स्टैटिक, उससे क्वेश्चंस फिक्स नहीं आएंगे कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आता है, वी कैन प्रेडिक्ट. सो गैट का पोर्शन आई विल से कि कीप ऑन रिवाइजिंग इट. गैट के लिए पहले भी रिवीजन शुरू कर देना चाहिए कि मैंने 2 चैप्टर साथ में कर लिए हैं, सो एट द एंड ऑफ वीक और एट द एंड ऑफ मंथ मैं उसको जितना भी मैंने किया है उसको सारा एक साथ कवर कर लूँ और रिवाइज कर लूँ. बट देर आर सम टॉपिक्स जैसे स्टैटिक पोर्शन हुआ, करंट अफेयर्स का टॉपिक हुआ, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कैंडिडेट केवल कुछ समय के लिए ही दिमाग में याद रख पाता है. और करंट अफेयर की अगर बात करूँ तो सितंबर में होने वाले एग्जाम में करंट अफेयर लगभग 10th of August तक ही पूछी जा सकती है, तो जो घटना अगस्त या जुलाई इस महीने की है वो तो मई में हो ही नहीं सकती, ना ही उसकी तैयारी हो सकती. तो करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट की तैयारी आपने कैसे करी? सर करंट अफेयर्स को मैं यही एडवाइस करूँगी, मैंने किया था कि करंट अफेयर्स आई यूज टू पिक अप इट इन द लास्ट वीक, कि मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ और मेरी परफॉर्मेंस जो भी रही है उसको एनालाइज कर रही हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम बचता था. सो व्हाट आई यूज टू डू इज मंथली समरी आती है, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पर आती है, अदर देन दैट बहुत सारे डिफेंस चैनल्स भी हैं,
वो भी करंट अफेयर्स डालते रहते हैं, मंथली डालते हैं, वीकली डालते हैं. सो ड्यूरिंग माई रिटर्न प्रिपरेशन मैं क्या करती थी, ड्यूरिंग थर्ड अटेम्प्ट आई हैड डन कि हाँ मंथ बाई मंथ मैं कर रही हूँ. एंड ड्यूरिंग माई लास्ट अटेम्प्ट वॉट आई हैड डन इज वन शॉट वीडियोज थे, दो चैनल्स के मैंने देखे थे, आंसर वहाँ से क्वेश्चन आ गए थे. सो आई एल सी की राधे दिन वेस्टिंग योर टाइम कि हाँ हम हर महीने के करंट अफेयर्स नोट्स बना रहे हैं. आई एल सी की इफ़ यू कैन कीप अप विद न्यूज़ पेपर दैट्स वेल एंड गुड, बट इफ़ यू कांट कीप सो डू डेडिकेट योर वन वीक टू करंट अफेयर्स. ओके, सो रिटर्न पार्ट को लेके हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है. अब हम एस एस बी के बारे में बात करके अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. तो एस एस बी के बारे में आप कुछ बताइए कि एस एस बी की तैयारी आपने कैसे शुरू करी. जब पहली बार आपकी एस एस बी के बारे में आपने सुना तो उस समय आपको कुछ आइडिया भी नहीं रहा होगा कि एस एस बी क्या होती है, कैसे उसमें क्या प्रोसेस होता है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे शुरू करी. सो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा तो मैंने आपसे ही लिया था जो भी गाइडेंस था. बिफोर दैट जब मेरी डेट आ गई थी उससे पहले के टाइम में व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं यूट्यूब से सर्च कर रही थी जो भी प्रोसीजर है, आई वाज ट्राइंग कि मैं वहाँ से कैच कर लूँ. बट वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई थी. उसके बाद से मैंने आपसे गाइडेंस ली थी और मैंने सारा पार्ट वहीं से किया था. तो कुछ कमी रही थी कि जिसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हो गई थी. बट लेटर ऑन जो चीज़ें मैंने आपसे उस टाइम में एक महीने में सीखी थी कि कहाँ से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, विद दैट लाइफ में खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, एंड बाकी चीज़ें मैंने कंटिन्यू रखी थी आफ्टर गेटिंग स्क्रीन आउट एज वेल ड्यूरिंग माई रिटन प्रिपरेशन. अभी थोड़ा हम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये बताइए आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी, कैसे खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया. सो तो इंटरव्यू का सबसे पहले तो PIQ था, मैं PIQ लिया था और भर दिया था. उस टाइम पे काफ़ी मिस्टेक्स थी. सो वो मैंने क्या किया था कि मैंने रेड पेन लिया था और उसे मार्क कर दिया था कि हाँ दीज आर द थिंग्स जो मुझे इम्प्रूव करनी है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट PIQ भर लिया. अब PIQ में जैसे आपने बताया था कि पोर्शन वाइज कवर करना है कि फर्स्ट पोर्शन से नाम लिखा हुआ है तो नाम से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड देन लोकेलिटी जब जिस जगह से मैं आ रही हूँ उसके बारे में मैंने सब कुछ जितना भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल था सारा गैदर किया ताकि वो कुछ भी पूछ ले मैं उसको मेरे इंटरव्यूअर को जवाब दे दूँ. देन कमिंग ऑन टू अदर थिंग्स जैसे मेरे स्कूल के बारे में था, फिर फैमिली के बारे में था. सो मेरी फैमिली में जैसे मैंने पहले बताया डिफेंस बैकग्राउंड है, सो ये बट ऑब्वियस था कि मेरी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस आएंगे. सो मैंने अपने फादर के रेजिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जितना अवेलेबल था वो कलेक्ट किया, मेरे फादर से कलेक्ट किया और इंटरनेट से कलेक्ट किया. अदर देन दैट मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को कंसल्ट किया, उनसे जितना भी पॉसिबल था वो सब डाटा कलेक्ट किया एंड आई नोटेड डाउन ईच एंड एवरीथिंग. फिर उसके बाद मैंने AFOs के बारे में डाटा कलेक्ट किया बिकॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज AFOs. तो उसके बारे में जितना पॉसिबल है और जितना ज़रूरत है आईल से उतना कवर किया बिकॉज आई हैव सीन मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने पूरा विकिपीडिया ही याद कर लिया था. सो उतना नीडेड नहीं था, दे रिक्वायर बेसिक इन्फॉर्मेशन क्योंकि 12th लेवल पे सिर्फ उतना ही चाहिए होता है. सो वो सब क्लियर किया था और उन सब के नोट्स बनाए थे एंड आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग. और उसके बाद जो करंट एक्विजिशंस चल रही थी जैसे मेरे टाइम पे INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और इन एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी बातचीत में चल रहे थे. उसके अलावा सर तेजस एयरक्राफ्ट की बातचीत चल रही थी. सो जो ऐसी छोटी छोटी न्यूज़ होती थी जो मेरी सर्विस से रिलेटेड है मैं उनको नोट डाउन करती रहती थी और इसमें मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ती थी ताकि इफ़ द इंटरव्यूअर आस्क्स आई कैन आंसर इट वेरी मच प्रॉपरली. स्टोरी राइटिंग के बारे में आप बताइए, स्टोरी राइटिंग को आपने कैसे अप्रोच किया, कैसे स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करी, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं होता स्टोरी कैसे लिखनी है, कैसे उसमें इंट्रोडक्शन देना है, कैसे उसकी मेन बॉडी, एक्शंस, एंडिंग, तो उसको आपने कैसे अप्रोच किया, क्योंकि वहाँ पर तो केवल 12 ही स्टोरीज लिखनी होती है लेकिन उन 12 स्टोरीज को लिखने के लिए हमें कम से कम 100 स्टोरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपने कैसे अप्रोच किया. सर साइकोलॉजी की सबसे पहले जो आपने बताया था प्री कंसीव्ड कुछ भी नहीं लेके जाना है. सो पहले तो मैंने अपने दिमाग में जो भी मैंने इंटरनेट से पढ़ी हुई थी स्टोरीज वो निकाली थी. उसके बाद सर PIQ के अराउंड मेरी स्टोरीज होती थी सारी की सारी कि मैंने कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, मैंने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, अदर देन दैट कौन सी पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जैसे कल्चरल कैप्टन, स्कूल कैप्टन, जो भी मैंने होल्ड की हो उसके बारे में, उसके अराउंड स्टोरी रहती थी सर मेरी. तो सर एक पार्ट क्योंकि मेरे अराउंड था सो ऑनेस्ट स्टोरी रहती थी और ज़्यादा हाई लेवल रहती नहीं थी, एवरेज, क्योंकि मेरी लाइफ से रिलेटेड है तो स्टोरी अच्छी बनी जाती थी सर. उसके बाद सर स्टोरी राइटिंग के लिए मैं क्या करती थी, जितने भी पिक्चर्स अवेलेबल थे
थे मेरे पास, बिकॉज पिक्चर्स बहुत सारी अवेलेबल हैं. तो मैं एक पिक्चर लेती थी एंड आई यूज टू सेट, पहले मैं उसको ऑब्जर्व करती थी. मैं टाइम लेती थी सर, आई यूज टू टेक 1 मिनट 2 मिनट जितना पॉसिबल हो. आई यूज टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी डिटेल और फिर मैं उस पिक्चर का बैकग्राउंड लिखती थी कि इस पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, पीछे क्या सीन चल रहा है और मूड कैसा है. सो मैंने पहले ये किया. उसके बाद मैं जितनी पॉसिबल थीम्स हो सकती है, मैं यूजुअली 3 थीम्स लिखती थी कि 3 थीम्स मैं बना सकती हूँ इस पिक्चर पे. देन आई यूज टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ देम, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ इसमें ये बेस्ट सूटेड है, मैं वो लेती थी. एंड उस पर जितने पॉसिबल एक्शंस है पहले मैं खुद डालती थी, उसके बाद मैं गूगल भी यूज़ करती थी कि हाँ इसमें और क्या किया जा सकता है. जैसे कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड स्टोरी है या फिर कोई फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज कराना है, सो मैं इसके लिए कभी कभी गूगल की हेल्प भी ले लेती थी सर. सो यहाँ से स्टोरी का स्ट्रक्चर बेसिक फॉर्म होने लग गया था. उसके बाद जैसे पिक्चर्स मैंने काफ़ी कर ली थी तो उसके आइडियाज़ भी काफ़ी आ गए थे और एक्शंस तो आए गए थे, तो उससे साइक पार्ट इम्प्रूव हो गया था. ठीक है, तो अभी हम GTO के बारे में बात करते हैं. GTO में टोटल 9 टास्क होते हैं, तो उन सब टास्क के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, कैसे करंट अफेयर के लिए अप्रोच करी आपने? सर GTO के लिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से, आई से जून के बाद से मेरा इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. तो मुझे लगता है जियोपॉलिटिक्स ने बहुत हेल्प की है मेरी. मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, जितना पॉसिबल है मैं कंज्यूम करती थी कंटेंट. यूट्यूब पे जितनी पॉसिबल न्यूज़ आती थी रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स एंड विद दैट न्यूज़पेपर. सर फॉर SSB आई से न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट, इट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज जनरल नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है सर. सो उसमें जो भी न्यूज़ आती थी मैं उसको पढ़ती थी. आई यूज़ टू रीड इट इन डेप्थ और अपना ओपिनियन बनाती थी सर उस पर. देन आई यूज़ टू राइट दैट ओपिनियन कि हाँ मेरा ये ओपिनियन है. फिर उसके बाद कभी कभी सर फ्रेंड्स में डिस्कस कर लेती थी कि उनका क्या ओपिनियन है. तो GD तैयार होता जा रहा था सर, यहाँ से GD के बेसिक ब्लॉक्स यहाँ से बन गए थे सर. नॉलेज काफ़ी हो गई थी और कॉन्फिडेंस था, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गई थी, तो GD पार्ट यहाँ से हो गया था मेरा अच्छा. कमिंग ऑन टू द लेक्चर एट पार्ट सर, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. कि लेक्चर एट के जितने भी टॉपिक्स हैं, आई से कि 50 to 60 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंट रहते हैं हमेशा. तो 50 to 60 टॉपिक्स में तैयार कर लिए थे, उन पे मैंने बैठ के डाटा लिखा है, पहले खुद कंटेंट लिखा है एंड देन आई यूज टू समराइज इट अप. मैंने कभी याद नहीं किया वो कंटेंट, बिकॉज एक बार लिखने के बाद इफ आई एम ट्राइंग टू स्पीक ऑन इट अगेन, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो रिटेन हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे. सो 1 or 2 रिविजन्स में वो पॉइंट्स भी अपने आप बैक ऑफ द माइंड में हो जाते हैं कहीं ना कहीं फिक्स. तो रादर देन लर्निंग ईच एंड एवरी लेक्चर इट, वॉट आई यूज टू डू इज कंटेंट लिख लिया एंड देन आई यूज टू लीव दैट टॉपिक. 2-3 दिन बाद मैं उसको उठाती थी और उस पर खुद जितना कंटेंट मेरे को रिटेन हो रहा है वो लिखती थी एंड देन आई यूज टू डिलीवर इट. और मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं अपना टाइम भी नोट कर लेती थी और सर फ्लुएंसी और जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाती थी. करंट अफेयर के अलावा आपने कुछ और किया हो GTO के लिए, जैसे फिटनेस, रनिंग या एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन? यस सर. सो सर टिल जून तो मैंने सब बंद कर दिया था. जून के बाद से मैंने शुरू किया था. जून में मैं 1st of June के आसपास मैंने बिल्कुल रेगुलर शुरू कर दिया था. और मैं फर्स्ट टाइम तो मुझसे कुछ नहीं हुआ था, मैं रनिंग की थी और मैं 700 मीटर दौड़ी थी सर, वो भी काफ़ी मुश्किल से. उसके बाद मैंने अपना कॉन्स्टेंट रखा था इसको कि वॉट एवर हैपन्स दिस, कम से कम रनिंग तो मैं करूँगी. और जिस दिन मैं रनिंग नहीं कर पाती थी उस दिन स्किपिंग. सो आई फील कि शेप में रहना, खुद को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो मैं सिर्फ SSB के लिए नहीं सर, वो लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो ये चीज़ मैंने शुरू करती थी और इसकी वजह से सर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स और जो बाकी टास्क है वो बहुत आसानी से हो गए थे. और सर इसका एक और बेनिफिट हुआ था जो आपने उस टाइम पे पॉइंट आउट कराया था कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, एथलेटिक फिगर आ जाएगी सर, वो चीज़ हो गई थी. इसके अलावा आपने फिटनेस के साथ साथ कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो? ये सब मैंने इन स्कूल आई यूज टू डू इट रेगुलरली, बट कॉलेज में मैं नहीं कर पा रही थी. बट ड्यूरिंग दिस फेज जब मैं प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं कॉलेज में भी कंटिन्यू कर रही थी कि कहीं ना कहीं इफ़ आई एम गेटिंग चांस देन आई शुड गो. एंड सर इसके बाद NCC में भी एनरोलमेंट हो गया था, तो ग्रुप एक्टिविटीज तो वहाँ होती रहती थी सर. सो इतनी तैयारी के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट आता है देहरादून, लोकेशन नंबर 1 AFSB देहरादून, और रिजल्ट होता है स्पिन आउट. इतनी तैयारी करी, इतनी स्टोरीज लिखी, लेक्चर एट प्रैक्टिस करे एंड एट द एंड डे 1 में ही आप स्क्रीन आउट हो गए, तो क्या सेटबैक था, क्या फीलिंग थी उस टाइम पर? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट होने बाद दुख तो काफ़ी हुआ था कि इतना हार्डवर्क किया, इतना पुट इन डाला तो भी नहीं हुआ.
बट देन सर ज़्यादा टाइम नहीं था सोच विचार करने का कि अगला अटैम्प्ट आ ही रहा था सर रिटन एग्जामिनेशन, एंड फॉर गर्ल्स सर मेरिट हाई जाती ही है तो रिटन में अच्छा स्कोर करना था, तो सर रादर देन थिंकिंग अबाउट इट मैंने लिख लिया था जो मुझे लगा कि हाँ मेरी कमी रही होगी, किस चीज़ में मेरी कमी रही होगी ड्यूरिंग माई परफॉर्मेंस जिसकी वजह से मैं स्क्रीनिंग नहीं हो पाई. सो आई हैड रिटन इट और उसको मैंने छोड़ दिया था फॉर दिस 2 months जब मेरे कॉलेज रिटन का टाइम चल रहा था. जैसे ही ये टाइम ओवर हुआ मैंने फिर से उठा के देखा एंड देन आई रिफ्लेक्टेड अपॉन कि हाँ यहाँ मिस्टेक रही है इसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हुई. फिर से वो चीज़ें इम्प्रूव की और हो गया सर अगले अटैम्प्ट में. So, अगले अटेम्प्ट में क्या नया था, कैसा ग्रुप आया था उस टाइम पर, कुछ उसके बारे में बताइए. सर वैसे अगर ग्रुप का देखा जाए तो मैं बोलूँगी सर फर्स्ट वाले एसएसबी में ग्रुप काफ़ी नॉर्मल था क्योंकि फ्रेशर्स थे सारे के सारे, बट इन सेकेंड अटेम्प्ट मेरे ग्रुप में रिपीटर्स ज़्यादा थे और स्क्रीन आउट्स भी 2-3 ही थे, ज़्यादा रिपीटर्स थे. तो सर उस फिश मार्केट वाला बनना तो वॉज वेरी मच ऑब्वियस, तो मुझे ये था आइडिया, मैंने पहले ही सोच लिया था कि हाँ मैं फ्रेशर्स वाले ग्रुप में नहीं रहूँगी कि मेरे को बोलने का चांस मिलेगा. सो मैंने अपनी नरेशन पे वर्क किया था कि मैं अपनी नरेशन को परफेक्ट कर लूँ बिकॉज दो 40-45 सेकेंड्स आ रहा है इन माई हैंड्स कम्प्लीटली, उस टाइम पे कोई नहीं बोल रहा होगा सिर्फ मुझे बोलना है. सो मैंने वो इम्प्रूव किया था. और उसके बाद सर जहाँ तक जीटी की बात है तो जीटी में सर बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस प्लस असर्टिवनेस, सो स्टोरी मेरी अच्छी बन जाती थी, नरेशन मैंने अच्छा कर लिया था. अगर ग्रुप ज़्यादा फिश मार्केट वाले सिचुएशन क्रिएट हो रहा है सो आई ट्राई टू मॉडरेट द ग्रुप कि लेट्स स्पीक वन एट अ टाइम और मोर ऑर्गेनाइज्ड वे. तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा ये हो जाता था कि जब ग्रुप सारा एक साथ बोल रहा है और मैं अकेली बोल रही हूँ तो सर मेरे को स्पेस मिल जाता था कि मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये नहीं हो पाया था, आई वॉज पेशेंटली वेटिंग हाँ मेरा नंबर आएगा बोलने का. सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने आई टुक द अपॉर्चुनिटी और मैंने बोला, मैंने अपने पॉइंट्स रखे एंड सर आई गॉट इट. तो स्क्रीनिंग होने के बाद एयरफोर्स में साइकोलॉजी का टेस्ट उसी दिन हो जाता है, बाकी नेवी और आर्मी में अगले दिन से शुरू होता है प्रोसेस. तो सेम डे साइकोलॉजी का आपका क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आपने स्टोरी राइटिंग को उस दिन अप्रोच किया, क्योंकि आपने एक एक पिक्चर के ऊपर 3-3 स्टोरीज प्रैक्टिस करी थी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? स्टोरीज फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आइडिया प्री कंसीव नहीं था, मैं याद कुछ नहीं करके गई थी, मेरे पास मेरी नोटबुक थी जिसमें मैंने स्टोरीज की थीम्स लिखी हुई थी और एक्शंस लिखे हुए थे. सो मेरे साइक में पिक्चर सारी ऐसी आई थी कि द स्टोरीज रिवॉल्विंग अराउंड मेन कैरेक्टर इज गर्ल, सो सारी की सारी वैसी आई थी, सिर्फ 2 स्टोरीज ऐसी थी जिसमें मेल कैरेक्टर भी था. बाकी सर एज ग्रुप सब में या तो मीडियोकर था कि 30s में है या फिर ओल्ड एज है या फिर बिल्कुल ही यंग है, तो मेरा एज ग्रुप तो नहीं था सर उसमें. बट बिकॉज मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज बनाई हुई थी हर चीज़ के अराउंड बनाई हुई थी तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं आई. मेरे को पिक्चर दिख रही थी, वॉट आई वॉज डूइंग इज जितना टाइम मेरे को पिक्चर ऑब्जर्व करने को मिल रहा है मैं उसमें सिर्फ पिक्चर ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ उसके अलावा. देन मैं अपना पेन रखती थी 10 सेकेंड, मैं बस सोच रही हूँ कि 10 सेकेंड में कौन सी थीम आ रही है, पहला आइडिया आया स्किप, दूसरा आया डेट टू स्किप, तीसरा जो आता था मैं वो लिखती थी सर. सो इससे मेरा साइक मुझे लगता है कि अच्छा गया था सर. तो इतनी प्रैक्टिस के बाद कहीं ना कहीं हम इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ एक्शंस हम उन स्टोरीज में यूटिलाइज कर जाते हैं जहां पर पिक्चर भी हमारे सामने एकदम नहीं आती है. तो इसके बाद वैट की बात करते हैं, वैट में आपकी क्या अप्रोच रही? सो वैट का वही 400 फिक्स वर्ड्स है सर, उसमें से ही आता है 60 का सेट. सो वैट का वो सेट मिल गया, आपने मुझे प्रोवाइड करा दिया था. सो वैट में व्हाट आई हैड डन इज एक एक वर्ड को पहले मैंने 3 सेंटेंस ही बनाए थे, उसके बाद जो बेस्ट होता था उसको मैं लिख लेती थी एंड लेटर उनमें क्या करती थी कि मैं 10 वर्ड उठाती थी रोज किसी भी रैंडम सोर्स से, उस 10 वर्ड्स पे मैं सेंटेंस बनाती थी इन टाइम मैनर कि हाँ एक सेंटेंस के लिए मैं 15 सेकेंड ले रही हूँ, ज़्यादा ले नहीं रही हूँ. सो उससे से प्रैक्टिस हो गई थी तो वैट मेरा इससे अटेम्प्ट हो गया था. ठीक है. SRT? सर SRT में मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे ही डिपेंड करता है बिकॉज SRTs आर फिक्स नॉट फिक्स्ड कि कहाँ से क्या SRT आ जाएगी, तो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना होता है. उसमें द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी प्रॉब्लम तुम उठा रहे हो उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दो. और उसमें ज़्यादा मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट कि एक तो है कि हम छोटे छोटे फ्रेजेस लिख के कॉमा लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड देन वी आर मूविंग टू अदर. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा बड़े फ्रेजेस लिखती हैं तो अटेम्प्ट कम हो पाते हैं. तो मेरा यही था सर, मैं फ्रेजेस को छोटा लिख रही थी या फिर मीडियम लिख रही थी और मेरा फोकस ये था कि मैं जितने करूँगी मैं कम्प्लीटली सॉल्व करूँगी प्रॉब्लम को, आई विल नॉट लीव एनी प्रॉब्लम. ओके, सो कितनी SRT अटेम्प्ट करी आपने उधर? सर मैंने 48 की थी. बट क्वालिटी सब में बढ़िया थी? यस सर, क्वालिटी सब में बढ़िया थी.
ठीक है, तो अब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं. How was your experience of the interview? सो इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि यूजुअली जो बाकी पिछले दिन इंटरव्यूज शुरू हुए थे वो 8:30 से शुरू हो गए थे, और हमारा जिस दिन ग्रुप का नंबर था उस दिन इंटरव्यूज लेट शुरू हुए थे, 12:30 के आसपास. सो सर आई वेंट टू माई इंटरव्यूइंग रूम, द आई वॉज सिटिंग एंड मैंने परमिशन लिया, आई सेट ऑन माई चेयर एंड आई वॉज स्माइलिंग वेरी ब्रॉडली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज ऑन माई स्माइल, कि ठीक है टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ योर स्माइल, हाउ कैन यू यूज इट, वेयर डू यूज इट. एंड नेक्स्ट सर वही CIQ कि अब टेल मी द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू एंड योर फैमिली. सो दोज क्वेश्चंस बिकॉज मैंने सब कुछ कलेक्ट किया था डाटा इस चीज़ में, तो वो हो गए थे अच्छे से. उसके बाद सर उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे स्कूल के बारे में पूछा, मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछा, देन माई रिलेशन विद माई फैमिली मेम्बर्स. सो सर उधर कॉन्फिडेंस वॉज द की, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने किया कि हाँ इसको मैं कंफ्यूज करके देखूँ. सो ऐसा एक क्वेश्चन था, व्हेन आई वाज कैप्टन सो हाउ डिड आई मैनेज द क्लैशेस बिटवीन अदर कैप्टन्स, कभी कभी हो जाते तो कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड मी कि अच्छा किस बात पे हो सकता है, सो बिकॉज आई हैड हैंडल्ड इट तो मुझे पता था कि सर पार्टिसिपेशन पे हो सकते हैं. सो ही गेव मी द प्रॉब्लम, और उसके बाद उन्होंने 4 to 5 times कि हाँ नहीं अब भी नहीं मान रहे, अब भी नहीं मान रहे, अब भी नहीं मान रहे. सो मैंने हर चीज़ का सोल्यूशन दिया कि सर इफ़ दे आर नॉट एग्रिंग ऑन दिस मैं ये करा दूंगी, मैं ये करा दूंगी. एट लास्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई एंड ही वाज लाइक ओके एट लास्ट आपने एग्री करा दिया, यस सर आई मेड देम एग्री. सो बेसिकली ही वाज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन यू एंड देखना चाह रहा था कि कब आप ब्रेक करोगे, बट यू केप्ट ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन. यस सर. सो GTO के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें ऑफ द टेस्टिंग की करते हैं. फर्स्ट स्क्रीनिंग, तो पहली बार नया एनवायरनमेंट मिला, बहुत सारे कैंडिडेट्स भी मिले जो अलग अलग लोकेशन से आए थे, उनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ होगा, मौज मस्ती, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में कुछ बताइए. सो मैंने तो जाते ही जैसे ही मैं स्क्रीनिंग हुई थी उसी टाइम पे इंट्रो लेना शुरू कर दिया था सबसे कि हाँ कौन कहाँ से आया है और अभी क्या क्या कर रहे हैं सब लोग. तो मेरा ये हुआ था, मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लिए थे मैंने अपने ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुप्स में भी, फ्रेशर के ग्रुप्स में भी मैंने दोस्त बना लिए थे, और रिपीटर्स का ऐसा था कि उन्हीं के साथ था मेरा स्क्रीनिंग भी, तो उनके साथ भी बॉन्डिंग हो गई थी मेरी. एंड इन द सेकेंड डे जब मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं यही कर रही थी कि मैं सबसे जाके बात कर रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद ये पूछ दिया कि अच्छा अभी कैसा चल रहा है यहाँ पे, कहाँ से प्रिपरेशन किया. आई यूज टू आस्क ऑल दीज थिंग्स, और उसके बाद सर 2 ही दिन में बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था. सो कुछ तो ऐसे भी फ्रेंड्स हैं दोस्त आई चेरिश टिल नाउ सर. ओके, सो 2 दिन में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई. वैसे भी GTO के सारे टास्क ग्रुप वाले ही होते हैं, तो ग्रुप टास्क में बॉन्डिंग होना बहुत ही जरूरी है. तो अभी GTO के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला टेस्ट आपका GD रहा होगा, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? से तो फर्स्ट GD में जैसे जनरल टॉपिक्स आते हैं जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स होते हैं, तो मेरे उसमें भी वही आए थे, बट मेरा एडवांटेज ये था कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स से थे. सो व्हाट आई डिड वाज जैसे इन्होंने टॉपिक दिए हमें दो हमारे GTO ने, सो आई मेड माई ग्रुप अग्री ऑन द सेकेंड टॉपिक कि हम सबको इस चीज़ पर नॉलेज है तो हम ये टॉपिक ले लेते हैं. सो उस पर क्या हुआ कि पूरे ग्रुप को मेरे पे फेद हो गया कि हाँ ये तो वही कर रही है जो हम सबको पता है. सो उसमें मेरे को ये एज मिली थी, और उसके बाद सर एज आई सेड की नॉलेज वगैरह गेन कर ली थी. सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज पेशेंटली गिविंग माय पॉइंट्स एंड जो दूसरे पॉइंट्स रख रहे हैं उनको भी अग्री कर रही हूँ. आई एम नॉट अग्रिंग डिसअग्रिंग टू देम कि हाँ मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही, आई एम एडिंग टू देयर पॉइंट्स, एंड वो भी यही कर रहे थे बिकॉज मैं पेशेंटली आंसर कर रही थी जो भी वो पॉइंट कर रहे हैं उसके बारे में दूसरा पॉइंट दे रही थी, तो वो भी यही कर रहे थे सर. तो मेरे ग्रुप का GD से बहुत अच्छे से गया था, दोनों ही GD बहुत अच्छे गए थे सर. ओके, सो GD स्मूथ हुआ, बहुत स्मूथ. बाद क्या टास्क था सर? उसके बाद हमारा GP हुआ था, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. उसमें क्या हुआ? सर उसमें 5 problems थी हमारी, उसका सोल्यूशन हमें जितना टाइम मिला उसमें सोल्यूशन लिखा, 10 मिनट में सोल्यूशन लिख दिया, एंड देन आफ्टर दैट उसमें भी डिस्कशन हुआ था. सो GP में काफ़ी अलग अलग ओपिनियन आए थे, सो उसमें थोड़ा हुआ था कि हाँ ग्रुप में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था. सो एट दैट टाइम एज वेल सर मैं क्या कर रही थी, आई वॉज पुटिंग माई पॉइंट्स कि हाँ मैं अपना सोल्यूशन मैंने 1 बार रखा और 2 बार रखा, एंड इफ एनी वन इज़ नॉट अग्रिंग टू इट कि ठीक है उनका अच्छा सोल्यूशन है, मैंने अगर सुन लिया कि उसका अच्छा सोल्यूशन है तो मैं उसके सोल्यूशन को असर्ट करा रही थी कि हाँ वी कैन गो विद दिस. सो सर ऐसे हमारे सारे सोल्यूशन जल्दी जल्दी आते गए और प्रॉब्लम सारी जल्दी सॉल्व हो गई थी, तो हमारा कंक्लूजन आ गया था सर. कभी कभी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं
जिनका मानना है कि दिस इज द ओनली राइट वे टू अप्रोच दैट प्रॉब्लम, तो ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी आपके साथ? यस सर, एक दो चीज़ों में हुई थी ऐसे सिचुएशन कि मेरे ग्रुप के दो मेंबर्स नहीं मान रहे थे कि इसका सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पूरे ग्रुप को एग्री करा दिया कि हम इनकी बात मान लेते कि सोल्यूशन तो वो भी है, अल्टरनेट सोल्यूशन. सो व्हाट आई डिड वाज कि ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो विद दिस सोल्यूशन, इससे भी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम. उसके बाद सर वो एग्री हो गए थे तो स्मूथ चला था सर फिर आगे का डिस्कशन. ठीक है, उसके बाद क्या टास्क था सर? उसके बाद PGT हुआ था सर. उसमें क्या हुआ? सो PGT में मैंने प्रैक्टिस की थी, यूट्यूब से की थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियो ऑन करती हूँ, जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं GTO की. सो मैं स्ट्रक्चर्स देखती थी, वो वीडियो पॉज करती थी और अपना सोल्यूशन देती थी उसमें. सो से मेरे पास सोल्यूशंस की कमी नहीं थी और मैंने नोट्स वोट्स थोड़ी बहुत सीखी थी, पर उस टाइम पर वो याद नहीं रही थी सर कौन सी नोट क्या लगानी है. सो जैसे ही मेरा PGT स्टार्ट हुआ, वॉट आई डिड वॉज आई जम्प्ड इनटू द टास्क कि यहाँ सोल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले टास्क में कूद जाते हैं. सो वहाँ से सोल्यूशन भी जल्दी आ गए थे सर फिर. और पहले और दूसरा PGT तो आसान होता है, तीसरा PGT थोड़ा था ट्रिकी सर. उसमें एक ही स्ट्रक्चर था और उसमें तीन आइडिया लगने थे. सो उस टाइम पे हमारे ग्रुप में हुआ थोड़ा सा फिश मार्केट टाइप सिचुएशन कि सब अपना अपना सोल्यूशन दे रहे हैं. उसमें भी व्हाट आई डिड वाज कि जो भी सोल्यूशन पहले आया, सो आई यूज्ड टू से कि लेट्स फर्स्ट इम्प्लीमेंट इट, अगर इम्प्लीमेंट हो गया बेलिन गुड, इफ़ इट इज़ नॉट तो दूसरा आइडिया लगा लेंगे. सो PGT में सिर्फ दो ही बार पॉइंट आउट किया था हमारे GTO ने कि स्पीक लेस वर्क मोर, बाकी टाइम हमारा इस चीज़ पर अग्री हो रहे थे कि पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं. सो आइडियाज वर्केबल थे या स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रहा था? सर मेरे जितने मैंने आइडियाज दिए और लगाए सारे मौके भी लिए आए थे सर. स्ट्रक्चर फिर स्टेबल बन पा रहा था? यस सर. उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क? यस सर, उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क हुआ था. उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था? सर उसमें हमारे ग्रुप में 8 मेंबर्स थे टोटल, तो 4 मेंबर्स थे मेरे ग्रुप में. आई वाज इन द सेकंड हाफ. सो उसमें ये हुआ था कि वन ऑफ द मेंबर्स शी वाज नॉट अग्रीइंग, मैंने अपना आइडिया दे दिया था, बाकी दो मेंबर्स अग्री कर गए थे, वन वाज नॉट अग्रीइंग. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने उसका आइडिया लगा के दिखा दिया एंड स्टेबल नहीं था, सो माई आइडिया वॉज एक्सेप्टेड इटसेल्फ. तो मेरा आइडिया लग गया, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. और लास्ट में आई डिड अप्लाई वन आइडिया, बट माई GTO सेड कि नहीं, डू इट विदाउट प्रो. सो उन्होंने मेरे को बस 10 ही सेकंड दिए थे सोचने के लिए और मेरे पास आइडिया आ गया था कि हाँ वी कैन डू दिस. सो HGTV अच्छे से हो गया था सर इसलिए. सो उसके बाद लेक्चर एट? सो लेक्चर एट में 4 टॉपिक्स मिलते हैं एंड मैं अपने लेक्चर एट से पहले आई वाज ऑब्जर्विंग एवरीवन कि सबका लेक्चर एट कैसे जा रहा है. सो मैंने अपने लेक्चर एट में सबसे ऊपर वाला टॉपिक था बायोफ्यूल, तो मेरे को उस पर काफ़ी कंटेंट था मेरे पास, तो मैं उठाया वो टॉपिक एंड आई जस्ट कि हाँ मैं दूसरी तरफ भेज देते हैं, वहाँ चली गई एंड आई वाज जस्ट समराइजिंग कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स मेरे को अभी तक रिटेन है. मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया, आई जस्ट वेंट ऑन एंड गिव ब्रीफ इंट्रो, कोर्ट से शुरू किया था और फिर इंट्रो दिया एंड उसके बाद कंटेंट डाला, अच्छे से डाला था. विद दैट स्माइल वॉज देयर एंड बॉडी मूवमेंट मैंने बिल्कुल नहीं की थी और कॉन्फिडेंस आ गया था सर क्योंकि प्रैक्टिस की हुई थी पहले से. सो मेरा लेक्चर रेट इतना स्मूथ गया था, मेरे फ्रेंड्स ने बाद में आगे बोला था ऐसा लग रहा था तू अपने दोस्त से बात कर रही है, लेक्चर रेट नहीं दे रही है. तो जितनी मेहनत आपने लेक्चर रेट की करी थी, नरेशन की करी थी, मिरर प्रैक्टिस करी थी, करंट अफेयर्स पढ़े थे, इंटरनेशनल न्यूज भी पढ़ी थी, वो सारी मेहनत लेक्चर रेट में देखने को मिली? हाँ सर, वो लेक्चर रेट में मिली थी. उसके बाद सर उसके बाद हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स. ठीक है. सो सर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में एक उसमें हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा हाइट रहेगी. सो पहले वो स्ट्रक्चर्स दिखाए थे उन्होंने 30 सेकेंड्स के लिए कि सी ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड फिर मैंने नंबर्स देख लिए थे कि मुझे बस यही अटेम्प्ट करने हैं, मुझे बाकियों पर जाना ही नहीं है. सो मैंने उस सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी में याद कर लिया था एंड देन आई वेंट ऑन. तो जितना एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड कि मैं 7 कर लूँगी, 6 या 7 कर लूँगी, बट 2 रह गए थे तो 5 हुए थे सर मेरे. 5 हुए थे? यस सर. देन कमांड टास्क? सर कमांड टास्क में ऐसा हुआ था मेरा ग्रुप बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को मेरे ग्रुप के मेंबर्स ने बुलाया था, 4 बार बुलाया था. 5वें मेंबर ने जब बुलाया, सो द GTO सेड कि नहीं अभी लास्ट में ही बची थी, सो ही सेड कि नहीं लेट हर रेस्ट, दूसरे को आने दो अभी. सो GTO में सर एज अ सबऑर्डिनेट मेरा बहुत अच्छा रहा था बिकॉज आई वॉज जस्ट अग्रिंग कि जो भी मेरा कमांडर कह रहा है आई विल डू दैट, इफ शी इज़ आस्किंग फॉर एनी आइडिया देन आई विल गिव आइडिया, उसके अलावा मैं चुप थी, वॉट एवर शी वॉज सेइंग आई वॉज अग्रिंग टू इट, जो उसने बोला वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया. एंड वेन आई वॉज द कमांडर, सो सर मैंने अपने उसमें सबऑर्डिनेट्स बुलाए एंड देन
माई जी टी ओ ही स्टार्टेड ट्राइंग टू कन्फ्यूज मी कि हाँ आई इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट आइडिया देन ही सेड नहीं आई वॉन्ट गिव यू द रोप रोप इज बर्न्ट ना सो सर विद इन 5 seconds फिर बस दूसरा आइडिया आ गया था उससे कहे वो इम्प्लीमेंट किया एंड मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विद दैट सर मैं अपने एसेट्स को यूज़ कर रही थी कि अपने सबऑर्डिनेट्स को यूज़ किया मैंने कि वही करेंगे काम मैं आइडिया दे रही हूँ सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे गए वहाँ पे मैंने एक आइडिया दिया बट देन ही सेड कि नहीं नाउ रोप इज बर्न्ट अगेन विदाउट रोप करके दिखाओ सर वहाँ भी 10 सेकेंड के अंदर आइडिया आ गया था तो जी टी मेरा कमांड टास्क भी बहुत जल्दी हो गया था सर जी टी ओ के बाद हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की कॉन्फ्रेंस में कैसा माहौल था जैसे ही आपने रूम में एंटर किया होगा तो एकदम सारे ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में बैठे हैं आपके सामने तो खुद में एक अलग ही फीलिंग रहती है उस टाइम पर तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका सो मेरी कॉन्फ्रेंस से पहले वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था तो मैं तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड सो व्हेन आई एंटर्ड द रूम द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन माय हेयर स्टाइल कि व्हाई इज माय हेयर स्टाइल लाइक दैट आई एम नॉट कीपिंग लॉन्ग हेयर सो बिफोर सिटिंग माय प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन सो आई आंसर्ड हिम देन ही सेड ओके नाउ सेट सो आई सेड एंड देन आई लुक्ड एट ऑल द ऑफिसर्स सर मैंने पहली बार देखा था ऑल द ऑफिसर्स वर इन देयर यूनिफॉर्म सो उसके बाद मेरे प्रेजेंट ने 3-4 क्वेश्चंस और पूछे थे मेरे से एंड देन आई वाज सेंट सर क्या जवाब दिया आपने फिर हेयर स्टाइल को लेके सर हेयर स्टाइल का ही आस्क मी कि व्हेन डिड आई टेक इट सो आई टोल्ड हिम सर 3-4 मंथ्स बैक आई हैड टेकन इट देन ही आस्क्ड मी अच्छा क्यों लिया था क्या एडवांटेज है इसका सर आई सेड सर कंफर्ट है इसमें तो उन्होंने पूछा अच्छा कैसे कंफर्ट में सर टाइम बच जाता है तो उन्होंने पूछा हाउ कि बचे हुए टाइम में व्हाट डू यू डू सो आई टोल्ड हिम सर नाउ आई एम हेयर सो इट जस्ट टेक्स 2 मिनट्स हार्डली 2 मिनट्स टू मेंड माई हेयर उसके बाद जो टाइम बचता है आई यूजुअली मोक विद माय फ्रेंड्स और इफ दे आर नॉट अवेलेबल आई विल डू सम रीड सम न्यूज़ और समथिंग दिस वाज ऑल इन द कॉन्फ्रेंस यस इन कॉन्फ्रेंस 4 questions वर आस्क्ड दिस वाज द फर्स्ट सेकंड वाज अबाउट व्हाट थिंग्स आई फील शुड बी चेंज्ड इन द बोर्ड सर व्हाट थिंग्स कैन बी इंप्रूव्ड अदर देन दैट व्हाट आई लर्नड हियर एंड व्हाट थिंग्स आई नीड टू इंप्रूव सो नाउ कॉन्फ्रेंस वाज ओवर हाउ मेनी कैंडिडेट रिपोर्टेड ऑन द स्क्रीनिंग डे So 46 report. And how many got in? 30 got screened in, sir. Now you all 30 were waiting for the final result to come. उस time पर heartbeat भी तेज हो जाती है. तो exactly क्या feeling थी उस time पे? So I'll say कि मुझे थोड़ा प्रेशर कम था बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि लास्ट अटैम्प्ट इफ यू डोंट मेक इट डजेंट मैटर एफ के एंट्री से चले जाएंगे एक साल की ट्रेनिंग हो जाएगी जल्दी हो जाएंगे कमीशन सो मैं थोड़ा रिलैक्स थी ऑन टॉप ऑफ दैट सर क्योंकि फ्रेंड्स बन गए थे सारे तो हम लोग आपस में मजाक ही कर रहे थे कहीं ना कहीं था तो सर कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए सो समवेयर आई हैड इट इन माई माइंड कि हाँ आई विल मेक इट दिस टाइम क्या फीलिंग थी उस समय जब रिजल्ट अनाउंस हुआ टेस्ट नंबर अनाउंस हुआ आपका उस समय आपके क्या रिएक्शन थे सर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल गई थी अच्छा आई वॉज थर्ड मेरा फोर्थ था सर आई वॉज फोर्थ टू बी कॉल्ड सो 7 से शुरू किया चेस्ट नंबर 7 चेस्ट नंबर 11 12 एंड देन माइन वॉज कॉल्ड चेस्ट नंबर 14 सो आई स्टूड अप एंड आई फॉरगॉट माई डेट ऑफ बर्थ आई सेड अंशु एंड Then I forgot. So she is like, okay, my psychologist, she was like, okay, go to the line. Then I summarized up ki haan, within the 6 months what I had done and it has finally reflected the results I have finally. So sir, last night yahi feeling aayi thi. Okay. So iske baad aapne sabse pehle kisko call kiya? सर सबसे पहले मैंने अपने फादर को मदर को कॉल किया था सर बिकॉज आई थॉट माई फादर वुड बी ऑन हिज ड्यूटी सो माई मदर डिडेंट पिक अप देन आई कॉल्ड माई फादर सो ही पिक्ड अप आई टोल्ड हिम ही डिडेंट रिप्लाई एनीथिंग अच्छा देन सर आई कॉल्ड यू आई इन्फॉर्म्ड यू उसके बाद तो सर फोन सबमिट हो गया था दोबारा तो इसके बाद बाकी की चीजें भी स्टार्ट हो गई होंगी सीपीएसएस मेडिकल्स बट जितना मेरी नॉलेज में है गुवाहाटी में सीपीएसएस और मेडिकल्स की फैसिलिटीज नहीं है तो उसके लिए आपने मुझे बताया था कि आपको देहरादून बुलाया गया था सीपीएसएस के लिए तो सीपीएसएस की तैयारी आपने कैसे करी थी क्या एक्सपीरियंस था आपका सीपीएसएस का सो सीपीएसएस के लिए टू बी ऑनेस्ट मैंने तैयारी तो कुछ भी नहीं की थी एक मैगजीन थी जो ऑनलाइन अवेलेबल है मैंने बस गो थ्रू किया था कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे करनी होंगी हमें सो आई गॉट टू नो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक बैटरी एक नॉर्मल टेस्ट होगा जिसमें हमसे ऑपरेट करा के देखेंगे मशीन को
मैं सर गेमिंग वगैरह काफ़ी कर रही थी अपने 11th एंड 12th में, मैं काफ़ी वीडियो गेम्स खेल रही थी। सर जॉयस्टिक वॉयस्टिक तो वहाँ से हैंडल करना आता था मेरे को, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट वॉज नॉर्मल। उसमें जो द इंस्ट्रक्शन दैट दे गिव यू इफ़ यू आर फॉलोइंग दैम, अगर ध्यान से सुन लिया है, सो सर मोर देन सफिशियंट, और कुछ चाहिए ही नहीं। वॉट एवर दे आर सेइंग लिसन टू इट वेरी केयरफुली, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और सर सारे ही सही होंगे जितना मैंने देखा है। जो दूसरा टेस्ट है सर, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है सर सारा का सारा, कि जितना हैंडल कर रहे हो चीज़ों को साइमल्टेनियसली यू हैव टू हैंडल 3 to 4 टास्क, कि हाँ अभी लाइट भी ब्लिंक हो रही है, उसको बटन को प्रेस करना है, फिर जॉयस्टिक से संभालना भी है, फिर नीचे पेडल्स भी हैं। सो वो फ्रेम में भी आना चाहिए। यस सर, फ्रेम में आना चाहिए। तो ये सब उसी मोमेंट में होता है सर। ठीक है, तो इजी था बट सबके लिए नहीं होता। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि CPSS एक ऐसा टेस्ट है जिसके बेसिस पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने के बाद पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये एकमात्र ऐसा टेस्ट है जो आप अपने जीवन में केवल एक बार ही दे सकते हो। SSB या और अन्य रिटर्न एग्जामिनेशन अपने जीवन में मल्टीपल टाइम्स दिए जा सकते हैं, बट CPSS में अपीयर करने का मौका कैंडिडेट्स को केवल एक ही बार मिलता है, तो वो आपने एक ही बार में क्वालिफाई कर लिया। तो मेडिकल्स की बात करते हैं, उसमें क्या एक्सपीरियंस था, कोई TR तो नहीं मिला आपको उसमें? सो मेडिकल्स 4 दिन तक चले थे हमारे AFCME में, और उसमें मेरे सारे टेस्ट क्लियर थे अदर देन वेट, मेरे को वेट का TR मिला था। माय वेट वाज फ्लेक्सिबल, कि पिछले दिन मेरा वेट का कुछ और आया था और अगले दिन कुछ और आया था, सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को 2 kg का TR दे दिया था उन्होंने। सो आई वाज गिवन सफिशियंट टाइम, मेरे को 2 kg बोला था, आई हैड रिड्यूस 6 kg, सो वेट का TR हो गया था क्लियर। आपकी SSB की जर्नी के दौरान जब आप मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, तो आई सो यू एंड यू वर चबी काइंड ऑफ अ किड, उस समय आप थोड़े मोटे हुआ करते थे, एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ अ लॉट। आई गेस आपने 8-9 kg वजन कम किया था। सर अगर उस टाइम से बताऊं तो ऑलमोस्ट 10 to 12 kg हो। 12 kg, तो 12 किलो वजन कम करना अपने आप में ये कीर्तिमान है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा जान ही निकल जाती है 12 किलो वजन कम करने में। ये सब के चीजों के साथ साथ आपने अपनी SSB जर्नी में खुद के अंदर और क्या क्या चेंजेस देखे, क्या एक्सपीरियंस किया इस जर्नी में? सो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगी थी, मैं काफ़ी कॉन्शियस हो गई थी। सो टिल सेप्टेम्बर तो मैंने नहीं दिया था क्योंकि रिटर्न था, तो मैं कंटिन्यू कर रही थी स्किपिंग और रनिंग, बट ज़्यादा नहीं कर रही थी। उसके बाद से सर मैंने ज़्यादा करना शुरू कर दिया था थोड़ा सा। सो सर वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कि हाँ अब लुक्स भी अच्छे हैं, पर्सनैलिटी भी अच्छी होती जा रही है। सो सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन फर्स्ट दिस थिंग वाज चेंज, अदर देन दैट सर मैंने खुद का रूटीन फिक्स कर लिया था कि हाँ आई नीड टू डू ऑल द थिंग्स बट आई नीड टू एंजॉय माई टाइम एज वेल। सो मैं अपना रूटीन भी फॉलो करती थी, उसके साथ जो भी मेरी लाइजर एक्टिविटीज़ हैं, बीट वॉचिंग मूवीज़, मैं पहले से मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखती थी, आफ्टर 10th आई हैड स्टॉप वॉचिंग मूवीज़। तो मैंने अटेम्प्ट के टाइम पे भी मूवीज़ देखी अपने कि हाँ मूवीज़ देख रही हूँ मैं। सो उस टाइम पे मैंने मूवीज़ देखी, एंड जैसे मेरी हॉबी है सिंगिंग डांसिंग, मैं वो सब कर रही थी सर। सो दैट टाइम आई वाज एंजॉयिंग माय सेल्फ, एंड ये सर SSB का नहीं, ये सर लाइफ मंत्र है कि एंजॉय द प्रोसेस एंड कीप ऑन वर्किंग योर सेल्फ। गुड, सो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपने अपने आप के ऊपर हर एक डायमेंशन पे वर्क किया, ना केवल एकेडमिक्स और करंट अफेयर्स बल्कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, फिटनेस, दोस्त, मूवीज, सभी चीज पे आपने ध्यान दिया। अगर मैं कहूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आपने फोकस किया। ठीक है, तो अब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल मेरिट का इंतजार सभी को रहता है, और गर्ल्स को तो स्पेशली रहता ही है क्योंकि NDA में गर्ल्स रिकमेंड तो काफ़ी हो जाती हैं बट सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो 83 में केवल 35 में आना, और उसके बाद जैसा कि आपने बताया आप पायलट के लिए फिट हो चुकी हैं, तो पायलट की सीट भी केवल 4 ही हैं, तो उन 35 में आने के बाद टॉप 4 में भी आना। तो अभी मेरिट तो आई नहीं, मेरिट का इंतजार घर पे हो रहा होगा, तो क्या माहौल था उस समय घर पे? सर हर रोज पापा और मैं सर मेरिट के बारे में डिस्कस कर रहे होते थे। मैं पापा को बता रही होती थी, पापा लास्ट टाइम इस रैंक तक ज्वाइनिंग लेटर आया था, आई नीड टू गेट दिस मच मार्क्स इन SSB, मैं मेरिटन हो जाऊंगी फिर। देन माय फादर यूज़ टू लाइक हाँ हो जाएगा हो जाएगा। देन नेक्स्ट डे हिमसेल्फ यूज टू आस्क, अच्छा एनी अपडेट ऑन हाउ मेनी गर्ल्स गॉट फिट, एनी अपडेट ऑन हाउ मेनी गर्ल्स गॉट फ्लाइंग फिट। सो ही यूज टू कीप ऑन आस्किंग मी। सर कभी कभी ज़्यादा भी सोच लेती थी तो मम्मी को डिस्कस करती रहती थी कि मम्मी अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है।
सो सर घर पे तो बहुत उस टाइम पे तो बहुत सस्पेंस का माहौल चल रहा था सर। एक्चुअल में होता क्या है कि रिकमेंडेशन होने के बाद कैंडिडेट्स कॉल करके ही घर पे इन्फॉर्म करता है, बट मेरिट का वेट तो घर वालों को भी होता है और जनरली उस समय कैंडिडेट घर पर ही होते हैं। तो उस टाइम पर आप कहाँ थे, घर पे ही थे या सब अलग अलग थे? नहीं सर, मैं खुद भी घर पे नहीं थी उस टाइम पे तो अच्छा मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर थी, शॉपिंग कर रहे थे हम, और इस टाइम पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स टेक्स्टेड माय AIR 309। सो 1 अप्रैल था पिछले वाले दिन, मुझे लगा ये पागल बना रहे हैं, दे वर मेकिंग मी फूल। सो आई वेंट ऑन टू चेक एंड उस टाइम पे सर साइड लोड नहीं हो रही थी बिकॉज एक साथ बहुत सारे लोग खोल रहे होंगे। सो पहले 10 मिनट लगे, फिर 10 मिनट्स माई मॉम वॉज आस्किंग मी समथिंग एंड आई एम लाइक मुझे मत पूछो अभी। सो जैसे मेरिट लिस्ट आई, मैंने डाउनलोड की, मैंने लड़कियों के नाम गिने, अच्छा कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां मेरे से ऊपर हैं। सो फाइनली जब रैंक वैंक काउंट किया उसके बाद माय मदर इज लाइक किस जोन में, तो आई टोल्ड हिम मम्मी मेरिट आ गई और मेरिट इन, देन शी इज लाइक शी डिडंट रिएक्ट फॉर 1 सेकंड एंड शी इज लाइक अच्छा तो अब जा रही है, लाइक हाँ अब जा रही है। आप बता दो सबको, अर्लियर आई हैड सेड कि किसी को बताना नहीं है, बाद में शी इज लाइक अब बता दो सबको, देन शी इज कॉलिंग एवरीवन इन माय फैमिली कि हाँ हो गया है, हाँ हो गया। यस सर। सो आपसे ऊपर कितने फीमेल कैंडिडेट्स के नाम थे? सर अगर मेडिकल्स वगैरह कंसीडर करें तो अभी आई एम ऑन 24th रैंक। 24th रैंक, यस सर। तो AIR 24 है आपकी? यस सर, मेडिकल्स को लड़कियों में काउंट किया जाए तो। यस सर। ओके, सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। बहुत ही गर्व की बात होती है उन पेरेंट्स के लिए जो अभी आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, यदि उनके बच्चे भी उसी ब्रांच में या उसी फोर्सेस में ऑफिसर बने और उनका सपना पूरा करें। तो मेरे हिसाब से पूरे दुनिया में आपके फादर से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी कि उनकी बेटी उसी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बन रही है जहाँ पर वो ऐसा जवान सर्व कर चुके थे। तो फादर के क्या रिएक्शन थे फिर इस बात पे? सो मैं तो बता ही नहीं पाई थी, मैं तो सर काउंट करने में बिजी थी कि अभी हाँ काउंट करता है कितने लड़कियाँ हैं, कौन सी सीट मिलेगी। सो सर माई मदर कॉल्ड हिम एंड शी टोल्ड हिम कि हाँ अंशु की मेरिट लिस्ट आ गई है और वो मेरिट इन हो गई है। देन माई फादर इज लाइक फोन दो, देन इज लाइक हाँ हो गया बेटा, मैं हाँ पापा हो गया, तो अब फाइनली जा रहे हैं, हाँ पापा भी जा रहे हैं फाइनली, कब जाना है, इज लाइक आस्किंग मी एवरीथिंग अबाउट जॉइनिंग कि कहाँ कब जा रहे हैं और अच्छा कौन सी अकेडमी मिलेगी। देन इज लाइक ओके, देन ही आस्क मी कि फ्लाइंग मिल रहा है, तो आई सेड कि पापा एयरफोर्स तो नहीं मिल रहा है, सो इज लाइक अच्छा नेवी, हाँ पापा नेवी मिल रहा है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही इज लाइक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, यू आर द फर्स्ट वन इन आवर फैमिली। मेरी फैमिली में सर 4th जनरेशन तक पहुंच गए हैं सर सोल्जर्स एंड आई एम द 1st जनरेशन ऑफिसर। अच्छा, तो जवान बहुत है लेकिन ऑफिसर कोई नहीं है? यस सर, इनफैक्ट मेल ऑफिसर भी कोई नहीं है। तो शुरुआत लड़कियों ने ही कर दी आपके परिवार में ऑफिसर बनने की? यस सर। बहुत ही अच्छी बात है। तो अब 3 साल NDA, 1 साल INA एंड उसके बाद यू विल बी मूव्ड ऑन टू AFA। सो फॉर 1 year विल बी पोस्टेड ऑन सम शिप और सम स्टेशन, नेवल स्टेशन सर, उसके बाद फॉर 6 months विल बी प्रोसीडिंग फॉर आवर फ्लाइंग ट्रेनिंग। जो संघर्ष अभी 1.5-2 साल का जॉइनिंग तक के लिए था, अब पायलट बनने का संघर्ष दोबारा शुरू होने जा रहा है। आपसे बात करके मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं यही बातों को कंक्लूड कर लूँ। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि जो भी 1.5 साल में आपका संघर्ष रहा था उसमें आपने क्या सीखा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के आप एक नए एस्पिरेंट या फिर एक ऐसे एस्पिरेंट जो बार बार प्रयास कर रहा हो और रिटर्न में SSB में फेल हो रहा हो, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो फ्रॉम माई 2 years जर्नी व्हाट आई हैव लर्नड इज फर्स्ट थिंग्स वाज डेस्परेट तो बिल्कुल नहीं होना है। फोर्सेज आर समथिंग जिसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है, इवन आफ्टर ज्वाइनिंग कुछ भी सर्टेन नहीं है सर। सो आई फील गेटिंग स्क्रीनड आउट, कॉन्फ्रेंस्ड आउट डजेंट मैटर दैट मच। इट मैटर्स कि हाँ कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में कमी रही है, बट ऐसा नहीं कि लाइफ ही इम्पैक्ट हो जाएगी उससे। देर आर मेनी अदर ऑप्शन एज वेल, सिविल में भी बहुत ऑप्शन है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई फॉर डिफेंस फोर्सेज देन इफ़ यू आर फेलिंग आई डोंट फील इट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने तो सर 2 अटैम्प्ट रिटर्न की भी फेल की है। सो कीप ऑन वर्किंग, इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग इम्प्रूवमेंट आएगा, एंड विद दैट वर्क एन्जॉय योर सेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव एंड एन्जॉय विद टाइम। जितना एन्जॉयमेंट करोगे उतना खुद से खुश रहोगे, एंड सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जितना खुश रहोगे उतना इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता जाएगा कि हाँ फॉर्मेशन ज़्यादा होंगी और मैनिफेस्टेशन होगा चीज़ों का। आई बिलीव दिस थिंग, सो इस यही करना चाहिए सबको। तो
तो अंशु आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस अनुभव से जो आपने 4 अटेम्प्ट में हासिल किया हमारे दर्शक और एनडीए और डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत कुछ लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म वेयर आई केम एंड आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस। आई होप इट हेल्प्स ऑल दिस डिफेंस एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए चेहरे के साथ, उनके नए एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू।